बोरिंग रोड में, हमारे घर से जस्ट 900 मीटर की दूरी पे है। और हमारे ये दिलीप भैया है, हैप्पी जर्नी भी बोल रहे हैं अभी जो हम जा रहे हैं वियतनाम के रास्ते पे। और ये सत्यम शुभम सुंदरम स्टोर है और पेटीएम एटीएम जितना भी ऑनलाइन होता है यहाँ पे एक्सेप्टेड होता है भाई, पटना में कहीं हो या ना हो यहाँ पे होता है। और ये एग्जैक्ट एकदम बोरिंग रोड चौराहा पे है। तो ठीक है, आपको मिलते हैं रेलवे स्टेशन पे। जा रहे हैं स्टेशन की ओर, जैसे कि आप देख रहे हो ये हमारा मित्र है, ऑल टाइम एवरी टाइम ऑलवेज विद मी इन एवरी मोमेंट एवरी मौसम सब समय। ये पटना उच्च न्यायालय का कैंपस है। राइट नाउ वी आर इन पटना हाई कोर्ट कैंपस। एक्चुअली वी टेकिंग अ शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच द रेलवे स्टेशन। पहुंच चुके हैं पटना जंक्शन एंड दिस स्टेशन बिल्ड इन द ईयर ऑफ 1861। यू कैन लुक इन फ्रंट देयर एंड दिस इज द न्यूली ग्राफिक इन द ओकेजन ऑफ बुद्ध पूर्णिमा। सो आई विल कैच यू इन ट्रेन। पटना रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे टोटल 10 प्लेटफॉर्म है और अभी हमारी जो ट्रेन है वो यहीं से है। आपको मैं उस ट्रेन का डिटेल भी दिखा देता हूँ जो आप सामने बोर्ड पे देख रहे हैं। ये हमारी ट्रेन है जो कि 6 बजे है और कल सुबह 8 बजे मैं दिल्ली पहुँचूँगा। तो ये आप देख रहे हो, ये संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस है जो कि आ गई है। मैं अभी इसमें जाऊँगा, बैठूँगा, फिर मैं आपको अंदर का दृश्य दिखाऊँगा कि ये ट्रेन कैसी है। ये बिहार है और आप देख सकते हो कि कितनी सारी क्राउडेड है। पॉपुलेशन यहाँ इतना है कि मैं आपको खुद नहीं बता सकता। इवन आई एम ऑल्सो फ्रॉम बिहार बट आई डिडंट एक्सेप्ट दिस मच ऑफ पॉपुलेशन बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर एनीथिंग और एनी डेवलपमेंट। ये S5 है, मैं हमारा सीट है और मैं अभी अंदर आ गया हूँ। ये मेरी अपर वार्डी बर्थ है और ये इंडियन रेलवे है और मैं अपने बर्थ पे आ चुका हूँ आराम से। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुआ, एवरीथिंग इज़ ओके। और मैं आपको बैकग्राउंड दिखा देता हूँ चारों तरफ कि कैसा है यहाँ का इंडियन रेलवे। यू कैन लुक विच टाइप ऑफ इंडियन रेलवे इज़ हेयर एंड दिस इज़ द वन टाइप ऑफ द डिवाइडर फ्रॉम दैट साइड अनदर पर्सन एंड दिस साइड अनदर पर्सन एंड हेयर आई एम सिटिंग। यू कैन ऑल्सो लुक बॉटम एंड सब एवरीथिंग इज़ देयर। ये मुगलसराय रेलवे स्टेशन इसका पहले नाम था और अभी इसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। तो अभी जो टाइम हो रही है वो 10 हो रही है और मैं 10 बजे यहाँ पे पहुँच गया हूँ। एक्चुअली इसका जो टाइमिंग था यहाँ पहुँचने का 10:30 था, तो 30 मिनट्स बिफोर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ कि ये हमारी ट्रेन है जो कि आप सामने देख रहे हो। वी आर लिविंग फ्रॉम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। इट इज इन सिचुएटेड इन द उत्तर प्रदेश एंड इट्स अ क्लीन नाउ अ डेज बिकॉज इट्स अ स्वस्थ भारत एंड दैट्स व्हाई नाउ अ डेज रेलवे स्टेशन इज क्लीन एवरीवेयर। सो दिस वन इज द पटना दिल्ली राजधानी। हम जो है दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। राइट नाउ आई एम इन दिल्ली रेलवे स्टेशन। अभी मैं मेट्रो लूंगा। लिटिल कंफ्यूज वेयर आई हैव टू बी गो, कैन आई गो टू रोहिणी और नोएडा, स्टिल वी डोंट डिसाइड। सो व्हेन आई एंटर इन मेट्रो दैट टाइम आई हैव टू बी थिंक। राइट नाउ आई एम इन आउटसाइड ऑफ द रेलवे स्टेशन। ये है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एंड इन फ्रंट ऑफ मी देयर इज द मेट्रो स्टेशन। आई हैव टू बी कैच मेट्रो एंड रीच टू माई डेस्टिनेशन। दिस इज द न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन। कैन लुक इन फ्रंट ऑफ मी। सो आई हैव टू बी गेट डाउन हियर। सो आई रीच काश्मीरी गेट एंड हियर आफ्टर आई हैव टू बी चेंज डिफरेंट कलर मेट्रो। Now I am going to take a red line metro. From here to I have to go to Thala. That is the last. After that I have to catch some private metro. Then I have to reach the destination. So you can look in front of me. That is the red line. ये लाल line है और उससे मैं अभी थाला जाऊँगा और वहाँ से मैं अपने फ्लैट पे जाऊँगा। ये जो मेट्रो आप देख रहे हो ये मुझे रिठाला ले जाएगी और जो कि लास्ट स्टेशन है। So you can look the small stadium where you can come and practice in the small depot. Passengers are requested not to sit on the floor of the train. Next station is Phulbangash. This station is Phulbangash. Doors will open on the left. I'm going to get down in next station. It will be take
17 मिनट फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रिठाला लास्ट स्टेशन इन रेड लाइन दिस इज माई कार्ड एंड आई एम गोइंग टू टच हेयर एंड यू कैन लुक 30 रुपीज इट विल बी टेक नाउ आई केम आउट राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट यस इन गेट नंबर 2 हेयर आई हैव टू बी कैच दैट मैजिक और समथिंग यहाँ का सवारी आई रीच यू कैन लुक देयर बोर्ड इन शिकार नगर जैन नगर फ्रॉम हेयर आई हैव टू वॉक 600 मीटर टू रीच सो आई विल कैच देयर Road construction is going on. So I have to be take this shortest path. This is area, locality, and society. This is all Jain Nagar. So you can look, find the reach. आप हमारे सामने देख रहे हो ये IAS ऑफिसर बनने वाले हैं हाँ और ये हमारे हैदराबाद से बिलोंग करते हैं एक तरह से देखा जाए तो बिरयानी लवर हैं हाँ बिरयानी वाले हैदरा बिरयानी क्या क्या बिरयानी बहुत सारा बिरयानी नवाबों का शहर से बिलोंग कर रहे हैं और हम ये बोलना चाहता हूँ कि हैदराबाद हमको जे टैग होना चाहिए बिरयानी के लिए और हम मद्रास को पूछना चाहिए मद्रास तो अलग है भाई नहीं मद्रास वाला देता ना जे टैग अच्छा क्यों हेडक्वार्टर सुधरी है पर मद्रास तो तमिलनाडु में आता है ये मुझे भी नहीं पता था आज हम एक IAS ऑफिसर की वजह से ये जान पाए वी आर रेडी टू गोइंग देहरादून नाउ टाइम इज 10:00 इन नाइट एंड टुडे वी आर गोइंग टू पीपल मी एंड माय फ्रेंड दिग्विजय एंड आफ्टरवर्ड्स वी आर गोइंग जस्ट फॉर नोइंग द रोड हाउ इज रोड देन वी आर गो बाय कार सो वेल गाइज आई एम धनंजय राइट नाउ आई एम इन दिल्ली एंड नाउ वी आर मूविंग टू काश्मीरी गेट And from there we catch the bus and for that we paid 500 rupees and travel time is 8 hours approx. I don't know exact but I will catch you somewhere in road and middle the bus, inside the bus. If some mal is there, I will show there. Mal means item. I will show in bus. So till that, catch me. अभी हम लोग मेट्रो पकड़ेंगे और यहाँ से आश्रम जाएंगे तो मैं और हमारे प्रिय मित्र जा रहे हैं इस रात में और अभी हम लोग हैं सो राइट नाउ वी आर इन सादीपुर मेट्रो स्टेशन माय फ्रेंड इज कार्ड बैलेंस गेटिंग ओवर रिचार्ज कर रहा है मेट्रो कार्ड हेलो आरके आश्रम के पास भैया मेट्रो स्टेशन जो है ना ठीक है आ रहे भैया आधे घंटे एक घंटे में देख रहे हो हम लोग मेट्रो के अंदर आ गए हैं और हम दौड़ रहे हैं यस 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 एक मेट्रो हम लोगों से छूट गया थोड़ा लेट हो गए हैं और आप देखो ये हम सादीपुर में हैं ये मेट्रो आ गई है ये वैशाली जाने वाली मेट्रो है और इसी मेट्रो से 2-3 स्टेशन के बाद हम लोग आर के आश्रम में उतर जाएंगे के अंदर भी जाने वाला हूँ सो यू कैन लुक दिस मच एम्प्टी नो वन इज देयर टोटली वैकेंट पूरा पूरा खाली है मेट्रो स्टेशन और मैं अभी बैठ गया हूँ और रात 10 बज रहे हैं इस वजह से ये मेट्रो स्टेशन खाली है दिस गाय इज लाफिंग भी हम लोग आर के आश्रम उतरेंगे हम आर के आश्रम पहुंच गए हैं और यहीं से हमारा बस है जो कि रात के 10:45 पे है गेट नंबर 1 से हम चढ़ेंगे और देहरादून में वहां पे जो बस स्टैंड है वहां उतरेंगे तो आप ये देखो इतना पैसा कट हो गया है हम लोग जब बस की रास्ते खोज रहे थे कि बस कहाँ पे लगी है तो रास्ते में हमें ये अंकल जी मिले ठेले वाले और हम यहाँ पे अंडे खा रहे हैं अब चाय पीने जा रहे हैं पीने के बाद बस में जाएंगे और आराम से बैठेंगे तो आप देख रहे हो अभी हम लोग चाय खोज रहे हैं रात के 11 बजे तो अभी हम लोग चाय वाले भैया के पास आए तो आप ये देख रहे हो ये स्पेशल चाय है तो अभी मैं ये चाय का चुस्की ले रहा हूँ आप ये देख सकते हैं और ये चाय वाले का दुकान है चाय तो अच्छी है भाई तो ये 10 रुपये का चाय है नहीं अच्छा लग रहा है तो आप जो सामने देख रहे हो यही वाली बस है और यही बस से हम लोग अभी जा रहे हैं
देहरादून। तो ये बस 11 बजे रात को खुलने वाली है और हम लोग ने टाइम पे पहुंच गया है और अभी हम लोग बस के अंदर जाएंगे। बिहाइंड मी डेट इज़ द बस, वी आर बुक इन दैट बस, दैट एक्सप्रेसो बस इज देयर एंड 7 to 8 hour जर्नी। नाउ बस विल बी स्टार्ट एंड आई हैव टू गो इनसाइड द बस। मैं बस के अंदर जा रहा हूँ। तो आप देख रहे हो अभी अंदर हम लोग आ गए हैं, निकल रहे हैं देहरादून की तरफ और सुबह 7 बजे पहुँचेंगे। और ये हमारे भैया जी हैं जो भैया जी को मदद करेंगे चलाने में। क्या सर, सुबह 7 बजे तक पहुँच जाएंगे ना? सुबह 6 बजे भैया जी एश्योरिटी दे रहे हैं कि सुबह 6 बजे तक पहुँच जाएंगे। मलाएंगे बैठ के बता दो नहीं सर, तो यहाँ पे दिखा दो। तो अभी आप देख रहे हो लास्ट पार्ट है कॉर्नर, ये बस है भाई। ऊपर में स्लीपर है, नीचे कैबिन है, सही है जो भी है। देख रहे हो अभी हम टोल टैक्स क्रॉस कर रहे हैं, ये अभी हम मेरठ में हैं। 11 बजे जर्नी शुरू किया था और अभी 2 बज रहा है। राइट नाउ आई एम इन द 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रुड़की एंड ऑन द वे टू द आफ्टर आई थिंक वी रीच देयर 6 मॉर्निंग। दिस गाइस इज द कंडक्टर। इसमें बात भी होती है क्या? हाँ बात भी होती है। हाँ तो मैं कैसे सुनाई दे रहा है? मैं खुद से बात कर रहा हूँ इसमें। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की 30 किलोमीटर। तो आप ये देखो ये हरिद्वार है। ठीक है मैं यहीं पर बैठा। तो आप देख रहे हो लगभग पूरा खाली हो गया हरिद्वार में। तो ये मैं हूँ और अभी सुबह का 4 बज रहा है और सब यहाँ उतर गए हरिद्वार में। हाँ वो अच्छा लग रहा था इसलिए उसका रिकॉर्ड कर रहे थे। आ जाओगे तुम ये गांड में घुस देहरादून, बस कहाँ जाएगी? देहरादून जाओ मत रुको। नहीं नहीं बस तो रुका हुआ है। क्या प्रॉब्लम था उसको? बोल रहा था बस आगे रोको, गाड़ी खड़ी कर रखी है। अभी हम लोग ने देहरादून पहुंच गए हैं और 1 घंटे 30 मिनट्स पहले वो उसने पहुंचा दिया। और अभी मैं चाय का चुस्की ले रहा हूँ। टेम्परेचर इज 14 डिग्री सेल्सियस हेयर, लिटिल कोल्ड एंड सो आई डिडंट ब्रिंग एनी क्लॉथ्स विथ मी, सो आई हैव अ शॉल। यूजुअली आई कीप दिस शॉल विथ मी, सो नाउ आई एम कवरिंग माई बॉडी विथ दिस शॉल एंड ट्राई टू सेविंग माई सेल्फ बाई दिस कोल्ड वेदर एंड यूजिंग दिस टी।